बहुत मुश्किल सभी ने काटा है, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पे काफी मुश्किल दौर था पिछला साल कोरोना के चलते, राइट। तो यहाँ पे इस सेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, पार्ट 7 ये आ चुकी है, तो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइस एक बार आप सभी बता दीजिए कि आपको मेरा वॉइस जो है वो कम्प्लीटली ऑडिबल है या नहीं, देन लेट मी नो। सत श्रीकाल बच्चे, टॉम बॉय सत श्रीकाल बच्चे, चलो ओके चलो, तो हम भी आपके साथ यहाँ पे आपके सभी कमेंट्स को देख रहे हैं। वॉइस आ गया बेटा, वॉइस आ गया बेटा, वॉइस आ गया, वॉइस के लिए परेशान ना हो, वॉइस आ चुका है यहाँ पे, राइट। तो जल्दी से अगर हम बात करें यहाँ पे इस चीज के ऊपर, बढ़ते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, एक सेकंड, गिव मी सेकंड बेटा, मिल गया। चलो चलो ऑडिबल है सभी को, बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे यहाँ पे, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा सभी, ऑल क्लियर ऑल सेट। जल्दी देवी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, विरासत कटियाल, गौरव शर्मा, नीति व्यास, सभी को बेटा गुड इवनिंग। तो एक बार सभी बच्चा पार्टी क्या कर दो, यहाँ पे सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सेशन को सभी शेयर कर दो यहाँ पे, राइट। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे प्लस के कोर्सेस है, मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ये ऑनगोइंग का पार्ट 3 यहाँ पे मौजूद मिलेगा आपको यहाँ पे, ये प्रीवियस है यहाँ पे, तो इसमें भी आप इंडियन ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ सकते हैं, और ये पार्ट 1 रहेगा इसका फाउंडेशन बैच का, यहाँ पे सारे के सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद ये दिन भर की दिनचर्या है, तो मतलब दिनचर्या में सुबह 10 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं, फिर सुबह दोपहर 12:30 बजे चैप्टर वाइज एमसीक्यू थ्योरी की क्लासेस के लिए हम मिलते हैं रात 10:30 बजे एमसीक्यू में। आज हम यहाँ पे एमसीक्यू ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना पुराना आपको जितना पढ़ाया है आज उसका टेस्ट लेने का वक्त आ चुका है यहाँ पे, राइट। 5:30 बजे में प्लस का कोर्स हम कर रहे हैं इस समय यहाँ पे, जो भी मैंने बताया था पार्ट 3 कर रहे हैं, और वाईफाई स्टडी एसएस एग्जाम रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये वीकेंड बैच जिसकी मैंने बात करनी थी यहाँ पे, 6 PM सैटरडे संडे के दिन आपके साथ मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे जीएस की, यहाँ पे एक लव्य बैच में अपकमिंग में मेरी क्लासेस आएंगी यहाँ पे, और ये चैलेंजेस बैच मेरे साथ नमन सर है यहाँ पे, ये रहे नमन सर, दीपक दत्यानी सर, और ये हमारे हर्षवर्धन सर इंग्लिश सर के लिए, बड़े जाने पहचाने से नाम है यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, मेरे प्लस कोर्सेस में जुड़ने के लिए मेरे साथ यहाँ पे अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर को रजिस्टर कीजिए, एसएससी एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए, और फिर इसके साथ आप मेरी प्रोफाइल में अंदर जाके यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज की लिस्टिंग, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर रखा है यहाँ पे, और ये रहे मल्टीपल चॉइस यहाँ पे, 1 महीने का कोर्स 3, 6, 12, 24, 24 महीने का ऑप्टिमम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें सबसे अधिक सेविंग होगी, लगभग 300 पर मंथ की कॉस्टिंग होती है लगभग, ये भी नहीं होगा 300 भी नहीं होगा, 7200 भी नहीं, MWM का यूज करो और इसको 10% सीधा डिस्काउंट ले लो, और ये बन जाएगा आपका 6480, ठीक है। तो ये लगभग 9 रुपए की पर डे की क्लासेस होती है आपको सभी, ठीक है। प्रिया गुप्ता बेटा आज क्लास होगी यहाँ पे, अंकित गुप्ता बेटा ठीक है, सभी ने शेयर कर दिया यहाँ पे। चलो बेटा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। When a stone is thrown in calm water of pond, the waves produced on the surface of the water in pond are, जब एक तालाब में आप गेंद फेंकते हैं तो किस तरीके की तरंगे या सतह पे पैदा होने वाली तरंगे किस तरीके की होती हैं, ये आपको बताना है। पहला है यहाँ पे अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, या फिर जिसको हम लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स बोलते हैं, या फिर दोनों, या फिर कोई वेव नहीं होती है, ये आपको बताना है यहाँ पे। राइजिंग स्टार बेटा बहुत बढ़िया, आई एम डूइंग गुड, चलो आप लोग बताओ कैसे हो, अब जल्दी से आंसर कर देना संग में यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, किस तरीके की बेटा, राइजिंग स्टार बता रहे हैं, ए होगा फिर बी होगा, देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो ये तरंगे कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिलती हैं, तो जो ऐसे ऐसी वाली तरंगे होती हैं वो कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी यहाँ पे, ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी। इनकी खास बात ये रहती है कि कोई भी पार्टिकल अगर इस केस में फंस जाए यहाँ पे तो वो कहीं आगे पीछे मूव नहीं करता है, जैसे बॉल भी अगर आप इसमें फेंक दोगे जितने चाहे पत्थर मारने हैं मार लो, वो बॉल ज्यों की वहीं खड़ी रहेगी जब तक आप यहाँ पे इसको हिट नहीं करते, पॉइंट क्लियर। अब एक चीज प्रश्न और उठता है कि समंदर में लहरें आती हैं और वहां पे भी जहाज किनारे पे क्यों नहीं आता, वहां पे भी यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर वाली वो क्या होती है, तरंगे देखने को मिलती है यहाँ। बेटा क्लियर हो गया सभी को बेटा, ठीक है बेटा विरासत, ठीक है ठीक है, टॉम बॉय ठीक है, यश नाम दे बेटा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ, अगला प्रश्न ये रहा, इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज,
एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में उपभोग की जाने वाली अधिकांश बिजली गैस के रूप में दिखाई पड़ती है, विजिबल इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर फ्लोरोसेंट लाइट। कैसी लाइट होगी यहाँ पे, जल्दी से बताओ इसका आंसर। कैसी लाइट होगी यहाँ पे, ये इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, फिलामेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हम ट्रेडिशनल बल्ब्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास सीएफएल्स नहीं ट्रेडिशनल बल्ब्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें अंदर में अगर हम देखें तो टंगस्टन लगा होता है यहाँ पे, टंगस्टन लगा होता है यहाँ पे, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3200 डिग्री के आसपास होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होने के चलते यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं करते, अगर ऑक्सीजन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो ये ना फ्लोरोसेंट कलर नहीं होगा बेटा, ना ही अल्ट्रा वायलेट होगा, ये होगा इंफ्रा रेड होगा यहाँ पे। इंफ्रा रेड रेज यहाँ पे हीटिंग के रूप में यहाँ पे निकलती है, ये होगा करेक्ट आंसर बेटा। सेकेंड नीति बेटा, नहीं, फ्लोरोसेंट कलर नहीं बेटा, फ्लोरोसेंट कलर नहीं, ना ये विजिबल लाइट होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज, ठीक है, तो मतलब क्या चीज निकलती है, इंफ्रारेड। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, यहाँ पे इंफ्रारेड मिलेगी वहां पे बेटा, विजिबल नहीं। क्या सातों रंग दिखते हैं उसमें से, कोई रंग नहीं दिखता है वहां पे। ठीक है, जबकि उसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण वो ग्लो करता है यहाँ पे, तब तो वहां पे आपको येलो कलर की लाइट मिलती है यहाँ पे हल्की सी। ठीक है, ऑरेंज भी कह सकते हो, येलो भी कह सकते हो, जो अच्छा कह लो उसको। ठीक है बेटा, सुमित वर्मा बेटा बी वाले ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख बच्चे, अगला प्रश्न क्या है, व्हाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, एक सफेद और चिकनी सतह क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बैड ऑब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बैड ऑब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। अगर ब्लैक होता तो दोनों गुड गुड हो जाता है यहाँ पे, है ना। दो बता रहे हैं, एक बता रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक क्या होता है, एब्जॉर्ब अच्छे से करता है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि व्हाइट क्या करता है यहाँ पे, ना ही अब्सॉर्ब करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होगा यहाँ पे और बैड एब्जॉर्बर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, और इसलिए इसका थोड़ा सा जहाज है वो सही नहीं जगह पे है। ठीक है बेटा, ये वाला जहाज जहां पे जाएगा, ये वाला जहाज यहाँ पे जाएगा, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये सबका क्लियर हो गया जल्दी से। आंखों के ऊपर जोर पड़ रहा है तो भैया थोड़ा पीछे आते हैं। अंकित कुमार वर्मा बेटा ठीक है, राइजिंग स्टार भी। अब देखो एक था अगला प्रश्न बेटा, व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ पी एंड एन टाइप आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट दे फॉर्म ऑफ पी एन जंक्शन विच विल एक्ट लाइक। ठीक है, जब कभी भी अगर हम बात करें यहाँ पे, एक पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर साथ में लेके आ जाते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है ये आपको बताना है, जिसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करें यहाँ पे वो होता है एक कंडक्टर, उसके बाद एक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के बाद रेक्टिफायर, उसके बाद एम्पलीफायर। ठीक है, क्या होगा बेटा आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा, एम्पलीफायर बता रहे हैं कुछ यहाँ पे, बहुत बढ़िया, एम्पलीफायर नहीं होगा बेटा यहाँ पे, कुछ और तुक्का मारो यहाँ पे जल्दी से। जल्दी से
चलो भाई जल्दी से। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे पहले बताया था ना, तो बेटा याद रख, तो ये रेक्टिफायर का रूप काम करता है, एम्पलीफायर का नहीं काम करता है। यहाँ पे तो पी में जो पॉजिटिव्स होते हैं तो वो होल्स होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कैरियर्स जो चार्ज को कैरी करेंगे, तो यहाँ पे कंडक्टर वही जाएगा, तो मतलब ही नहीं रहता। जो कंडक्टर बता रहे हैं वो गलत है भैया। बेटा पानी तो पीना बनता है ना हमारा, तो पानी पी रहे थे हम तो। ठीक चलो, ठीक है लक्ष्मण पवार बेटा, बढ़िया। ठीक है अगला प्रश्न। व्हेन बॉडी इज इमर्ज इन लिक्विड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उस केस में यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं? अब थ्रस्ट काम करती है, मास काम करता है, वेट काम करता है, या फिर ए और बी दोनों? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका आंसर? ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। सेम केस ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ? जस्ट गिव मी सेकंड बेटा। चलो बेटा ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर जो आता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे बेटा ये दोनों काम करता है। यहाँ पे थ्रस्ट और वेट दोनों उसके ऊपर काम करता है। वेट उसको नीचे डुबाता है, यहाँ पे अब थ्रस्ट उसको ऊपर धकेलता है। यहाँ पे वेट क्या करेगा, नीचे लेके जाता है उसको, जबकि अब थ्रस्ट बायोन्सी इसको कहते हैं, ये ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। चलो अगला प्रश्न देखो। यहाँ पे ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ, ओम्स लॉ जो होता है तो वो किस चीज के लिए वैलिड है? सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर? बेटा किसी का फोन भी आ सकता है, राइजिंग स्टार बेटा, किसी का फोन भी आ सकता है ना। प्रियंका भाटी बेटा, अब जल्दी से, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर? देखो सिंपल सी बात है, ओमिक जो होता है, सिंपल सी बात है, वो सीधा सीधा कंडक्टर के साथ जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। अब इसके साथ अगर हम बात करें, वी इज इक्वल टू आई आर, ये होता है हमारा ओम्स लॉ होता है, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे जो लो टेम्परेचर पे तो कंडक्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को। सुपर कंडक्टर हाई पे करते हैं, लेकिन क्या होता है, उल्टा हो जाता है यार, इस पे हाई पे नहीं करते हैं लेकिन लो पे करते हैं यहाँ पे। राइट, ठीक उल्टा हो जाता है सुपर और सेमी कंडक्टर का। यहाँ पॉइंट क्लियर सभी को यहाँ पे। चलो बेटा, लेकिन ये बड़ा बेटा कंडक्टर हो गया। अगला प्रश्न देखो, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर द सेम एट, जो स्केल्स होते हैं रैंकाइन हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, तो उनमें से दो की कंपैरिजन हम कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, तो ये किस तापमान पे बिल्कुल बराबर होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ क्या होगा इसका आंसर, 32, 40, 273, या फिर -40? किस डिग्री पे दोनों की तुलना समान हो जाती है यह बताना है, जल्दी से अंदर बताओ बेटा। यहाँ पे नेहा अग्रवाल, सौरभ ठीक है, राइजिंग टॉम बॉय शायर ठीक है,
भैया हम कहीं नहीं जाते हैं। राइजिंग स्टार बेटा, आप ऐसा करो, आप आने वाले कल की बता दो मुझे, है ना? 32 बनी बेटा। सुपर कंडक्टर में बेसिकली रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है, बेसिकली रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है। ये किसने कहा बच्चे ने, क्या नाम है इनका? सचिन 20 बेटा। सुपर कंडक्टर में होता यूं है कि माइनस में उसका टेम्परेचर ले जाकर के उसका रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाता है, जबकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब उसको हम टेम्परेचर गेन करवाते हैं तो करता है 40 डिग्री, -40 डिग्री। ये बेटा बिल्कुल सही रहा यहाँ पे आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की बेटा। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, जल्दी से देखिए एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा एक वो क्या कहते हैं सही मेल नहीं खाता है? हेमाटाइट, कॉपर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मोनाजाइट, थोरियम, पिच ब्लेंड, यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी चीज मेल नहीं खाती है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से। चार बता रहे हो यहाँ पे, पिच ब्लेंड, ललती देवी बेटा ठीक है। बाकी का आंसर मे बी नहीं बेटा, पक्का बताओ। मे बी वाला कोई केस नहीं है, पक्का बताओ कल कितना होगा। सचिन बेटा बढ़िया। चलो तो यहां पे सचिन ने आंसर बिल्कुल सही कर दिया है, तो बेटा ये होगा हेमाटाइट कॉपर। हेमाटाइट बेटा आयरन की होती है, हेमा से लगा लो ना यहाँ पे, हेमा, हेमल, जो हेमोलॉजी होता है, हेमेटोलॉजी जो हो गया होता है, आयरन के साथ जुड़ता है यहाँ पे। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मोनोसाइट, थोरियम एंड पिच ब्लेंड में यूरेनियम देखने को मिलता है यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। भारत में राजस्थान सबसे ज्यादा ये करता है, कॉपर प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, याद रखना है यहाँ पे। यूरेनियम जादूगोड़ा है, थोरियम केरला के उसमें है, बालू में मिलता है आपको, याद रखिएगा यहाँ। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, हेमाटाइट होगा, याद रखिएगा पहला वाला। अगला प्रश्न देखो, चूहे मारने की दवा में, चूहे मारने की जो क्या होता है, रैट किल होता है ना, तो मोर्टीन रैट किल में कौन सी चीज पाई जाती है? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फोस्फाइड। एकता बेटा ठीक है, दीप्ति हो जा। हेमाटाइट, हेमाटाइट बेटा उसमें आता है लोहे में। क्या होगा इसका आंसर बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ। एक बार जल्दी से सभी को सेशन शेयर कर लो भाई, ठीक है? ठीक है भाई। तो किसी भी मेटल का फोस्फाइड ही होना चाहिए, जनरली जो लेकिन होता है वो फोस्फाइड, जिंक फोस्फाइड होता है यहाँ पे। चूहे मारने हैं तो इसको ले आओ यहाँ पे बेटा। आप बिल्ली को पालने के लिए खर्चा लगता है बहुत ज्यादा, हम क्या करते हैं 50 रुपया की वो रेंट के लेके आ जाते हैं, ठीक है? बिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा, ठीक है? इससे मुझे बात याद आती है, एक मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी, एक अरब बंदा जाता है जिसकी अंग्रेजी बहुत गंदी थी, तो बोलता है सर आई हैव अ जेरी इन द माई हो इन माई सूट एंड प्लीज ब्रिंग टॉम विद मी, ठीक है? तो वो काम नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेफ्रिजरेशन, प्रशीत के लिए, यहाँ पर प्रशीतन के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फिरॉन या फिर फॉस्फीन। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ यार, ठीक है? रेफ्रिजरेशन में किस चीज का यूज किया जाता है, यह आपको बताना है यहाँ पे। फिरोंस, दीप्ति ओझा, निधि व्यास, ललती देवी। ज्योति सिंधु बेटा गुड इवनिंग, ठीक है भाई। सचिन 20, नेहा अग्रवाल, पीयूष गजभिये,
तो बेटा ये होते हैं फिरौन्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बैन कर चुके हैं भारतीय सरकार, इंटरनेशनल बैन हो चुका है, क्योंकि ये आगे चल के सीएफसी को लीड करता है यहाँ पे, या फिर ये कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग में इनका योगदान होता है, इसीलिए अब इसको बैन कर दिया गया यहाँ। ठीक है, क्लियर होगी बात बेटा यहाँ पे। चलो, क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है यहाँ पे? पानी को साफ करने के लिए, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई नहीं कहूंगा यहाँ पे, डिसइंफेक्शन के लिए, यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया था, प्लस ब्लीचिंग में भी इसका उपयोग किया जाएगा। पॉइंट क्लियर? ओके बच्चा पाटिल, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हाँ चारकोल यूज टू डी कलराइज ब्राउन शुगर इज, किस तरीके का चारकोल यहाँ पे ब्राउन शुगर से सफेद वाली शुगर बनाने में हम काम करते हैं यहाँ? बेटा पीयूष, भारत है सब कुछ चलेगा यहाँ पे, क्या ऐसी चीज है जो चाहिए आपको? ठीक है, लोग जुगाड़ कर लेते हैं, सरकार कितनी पाबंदी लगा ले, लेकिन ये जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक ये बंद नहीं होगी यहाँ पे। ठीक रोशन कुमार बेटा जल्दी से आंसर, वुड चारकोल, कोकोनट चारकोल, एनिमल चारकोल या फिर शुगर चारकोल? बेटा ध्यान से आंसर करो इसका, शुगर चारकोल। तो बेटा शुगर चारकोल को शुगर से करेंगे? नहीं बेटा, नहीं, ये नहीं होगा कभी भी। यस गौरव शर्मा, यू आर करेक्ट, गुड्डू स्वामी बेटा, ठीक है, डी नहीं होगा बेटा। विरासत, देखा देखी करता करता वही कमजोर डरसी। तो ये बेटा होता है जानवर। अरे सभी बच्चों से एक ही चीज कहूंगा, अपना देखो दूसरे की तरफ मत देखो, वो आगे निकल जाएगा, तुम तब भी फिर भी यहाँ पे लाइव सेशन देखते रह जाओगे। ठीक है, तो अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, ये एनिमल चारकोल होता है बेटा यहाँ। ठीक है, कोकोनट नहीं होगा बेटा, वुड चारकोल नहीं होता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू टू डी नेचर एथेनॉल, एथेनॉल को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, फिनॉल, मिथीन, किसका करता वही काम? विरासत, जीरा डार्सी। ठीक है बच्चा बाटी, इसके साथ साथ सभी अनअकैडमी में फॉलो कर लेना, इसका लिंक जो रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो सभी देखें? फिनॉल नहीं बेटा, बेटा 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 बिल्कुल ठीक है गुड्डू स्वामी बेटा, प्रॉपी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली आंसर है वो है मेथनॉल है यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है यहाँ पे वो आसपास रहता है यहाँ पे, राइट। तो ये मिथाइल अल्कोहल होगा, मिथाइल होगा, बी नहीं बेटा, बी नहीं, वन वन वन, खुशी सैनी बेटा वन होगा। चलो बेटा, तो ये तो होगा करेक्ट। चलो अब हम बढ़ते आगे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख बच्चे,
द गैस विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो क्लियर नहीं है साउंड? लो बेटा तुम लोग साउंड ही क्लियर करते हैं। बेटा पटाखों की आवाज क्लियर नहीं थी क्या? तो मैंने अभी किए। हाँ गौरव बेटा कुछ पूछ रहे थे, बताओ 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 बताओ। कमेंट में देखा नहीं होगा, मैंने फोन रख दिया नीचे। तो ये बेटा सब जानते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम अगली चीज की बात करें, ये O3 होता है, ये पॉइजनस होती है। यहाँ पे जब इसके साथ CFC मिलता है तो ये सिंपलर ऑक्सीजन यहाँ पे पैदा कर देता है, जिसके चलते यूवी रेस धरती तक आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। यहाँ क्लियर सबको? चलो अब अगला प्रश्न देखो बेटा। यहाँ पे अगला प्रश्न देवेंद्र रजक बेटा, अगला प्रश्न देखिए। Which one of the following is used for dating very old objects of archaeological importance? निम्नलिखित में किसका उपयोग पुरातात्विक महत्व की बहुत पुरानी वस्तुओं की डेटिंग के लिए किया जाता है? बेटा तथास्तु, थोड़ा और पढ़ो टॉम बॉय। पहला है फॉस्फोरस 31, ट्राइटियम, रेडियम या कार्बन 14? जी हाँ, चारको क्या नाम है गौरव, बिल्कुल यूजेबल जो हम खाते हैं बेटा, वही ये आता है बेटा। कार्बन C14 से हम करते हैं यहाँ पे, राइट, कार्बन C14 से डेटिंग करते हैं, मतलब एज पता करते हैं हम यहाँ पे। ये रेडियो एक्टिव होता है यहाँ पे, इससे ट्यूमर्स पता चलते हैं। ठीक है सचिन 20 बेटा, C14 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ लेना सिंधु घाटी सभ्यता से, IBC से जोड़ लेना यहाँ पे, वहां पे AGC से पता करते हैं हम लोग यहाँ पे। जबकि अगर हम बात करें किससे यहाँ पे, यूरेनियम 235 की, तो इससे अर्थ की एज पता चलती है, अर्थ एज। ठीक है पॉइंट क्लियर सभी का? चलो पीयूष गज भी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लैक ऑफ प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है। जब से आपको पता चल गया तब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। बट हाँ एक चीज बच्चे सभी को मैं समझाना चाहूंगा, कभी भी वेट मत करो कि हाँ वैकेंसी कब आएगी तब हम फॉर्म फिल करेंगे तब हम पढ़ेंगे, नहीं, प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए। और जब फॉर्म फिल, जब भी फॉर्म आए उसको फिल कर दो, क्या दिक्कत है। अगर क्रिकेट खेलनी है, उस्ताद बनना है, तो ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन टूर्नामेंट डिक्लेयर हो गया उसके चार दिन पहले हम खेलना स्टार्ट करते हैं, वो तो जब देखो तब तक खेल रहते हैं, बस उसी चीज से समझो। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, एग्जाम आज नहीं तो कल तो पक्का आएगा ही आएगा, तब क्या करोगे, नहीं पढ़ा होगा तो ओंधे मुंह गिर जाओगे यहाँ पे, तो कह दोगे सर बहुत टफ पेपर था, बहुत 2 साल का अक्सर पूछ लिया पुराना। तो इसीलिए आपकी चीजें पॉलिश होती रहेंगी जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है, होपफुली आप सब कुछ करोगे। अगला प्रश्न सोना जो कभी घुलता नहीं है किस चीज में घुल जाएगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। गोल्ड ये क्या है, केमिकली इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करता, इट डजंट रिएक्ट। लेकिन फिर भी घुल जाता है यहाँ पे, किस पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, और उसके बाद है नाइट्रिक एसिड HNO3 या फिर एक्वारीजिया या फिर एसिटिक एसिड। अब इसका आंसर जल्दी से बताओ। अरे यार तुम लोग सेशन को शेयर कर दो यार, पहले तो शेयर किससे कर दो, और प्लस आज मैं बोल ही देता हूं यार लाइक भी कर दिया करो। चलो एक्वारीजिया बेटा, प्रवीण YT फैन बहुत बढ़िया भाई, ये होता है आपका HNO3 प्लस H2SO4, आज ही पढ़ाया था यहाँ पे एक्वारीजिया, जिसको अगर हम बेसिकली बात करें तो इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं यहाँ पे, रॉयल वाटर सब कुछ। यस पीयूष, गैस नहीं मारना बेटा, पीयूष गज भी है,
गैस नहीं मारना है, श्योर शॉट करना आंसर। अब जो HCl है यहाँ पे ये बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H2SO4 जो है यहाँ पे ये किंग ऑफ एसिड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ एसिड्स है यहाँ पे। और इसके साथ साथ यार ना इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है बेटा, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है यहाँ पे, बाय डाइल्यूटेड होता है बेसिकली, 10% ही होता है खाली। ये पॉइंट लिया सभी को? That was pretty good बेटा अंकित कुमार, ये है सेंस ऑफ ह्यूमर। चलो अच्छा है, चलो आगे देख बच्चे। सोना घुल गया यहाँ पे, सोना घुलने का मतलब यहाँ पे ये चीज ना पॉलिश करते हैं इससे यहाँ पे, राइट? हमें क्या करते हैं इससे, पॉलिश करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, राइट? अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, विच हैलाइड इज यूज्ड इन मेकिंग सेंसिटिव इमल्शन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है यहाँ। फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील इमल्शन बनाने के लिए किस हैलाइड का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl2, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr2, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, क्या होगा इसका आंसर? मनीष हैकर टीम वाले बेटा, आफ्टर लॉन्ग टाइम बेटा हैक करने के लिए कहीं और गए थे क्या? क्या हैक कर लिया आजकल? ठीक है, सिल्वर आयोडीन नहीं होगा बेटा, सिल्वर आयोडाइड है वो, आयोडीन नहीं होता, आयोडाइड होता है। जबकि इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ये है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड होगा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर? चलो, जो सोडियम क्लोराइड है तो ये तो कॉमन सॉल्ट है हमारा। कॉमन सॉल्ट है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहां किया जाता है यहाँ पे? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग यहाँ पे आर्टिफिशियल रेनफॉल में किया जाएगा। ठीक है, धूप बत्ती में धूप बत्ती करने के लिए माचिस लगाते हैं लोग यहाँ पे, और कुछ लोग कुछ उल्टे सीधे काम में भी, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा माचिस की तीली बनाने में? फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या फिर सल्फर, किसका प्रयोग यहाँ पे माचिस की तीली बनाने में किया जाता है? यह प्रश्न रहा आपके सामने 1,00,000 रुपए के लिए, तो क्या होगा इसका आंसर? निधि बेटा, क्लाउड शेडिंग कह सकते बेटा इसको, ड्राई आइस का भी यूज किया जाता है उसमें, ड्राई आइस भी कभी कभी यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, रेड फॉस्फोरस, बहुत बढ़िया, तो ये फास्फोरस का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे, याद रखिए। सिलिकॉन का उपयोग किस चीज में किया जाता है? ये चिप्स बनाने में किया जाता है, चिप्स खाने वाले नहीं, जो पेंटियम वेंटियम के चिप्स होते हैं यहाँ पे प्रोसेसर्स वगैरह में। सल्फर का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रबर में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वल्कनाइजेशन की किया जाता है यहाँ पे, याद रखेगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए, नेप्थलीन। तो अगर हम बात करें फिनाइल की गोली मुख्यतः किससे बनाई जाती है यहाँ पे? गुलाब आंगन महकाते हैं और तारे आसमान चमकाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे। निधि व्यास बेटा, 5 रुपए चाहिए तुम्हें, मंच लेके देंगे बेटा, 5 वाली मंच तुम्हें देके देंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 वाली किटकैट भी, ठीक है। पहले मेरा मन था कि चूसने वाले संतरे की गोली दे, पर आप लोगों ने कहा है तो भैया दे देंगे यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे ये बेटा अगर हम बात करें तो नेप्थलीन बेसिकली जो फिनाइल की गोली है, ये बेसिकली इसमें होता क्या, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनती है, ये गैस का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे
सब्लिमेशन होता है यहाँ पे, सब्लिमेशन होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो ये बनता है कोल टार से बनता है यहाँ पे। कैंफर भी बेटा इसके साथ ही यहाँ पे, कैंफर अलग चीज होती है यहाँ पे, कैंफर, लेकिन दोनों का नेचर सेम है यहाँ पे, सब्लिमेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो संतरे की गोली देने का मन था हमारा, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो भैया मंच दे देंगे पांच वाली, क्या दिक्कत। चलो पीयूष गज भी है बेटा, आपने सबसे पहले दिया तो सबसे पहले मंच आपको दी जाएगी, ठीक है खुश। चलो अगला प्रश्न। अच्छा क्या कहते हैं, चॉकलेट लेने के लिए, मंच लेने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे एड्रेस बता देना, पांच वाली मंच भिजवा देंगे, ठीक है तो फॉलो कर लेना। चलो आगे देखो अगला प्रश्न। अच्छा इसके तो ऑप्शन ही तीन बच गए यार। चलो देखो, फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है यहाँ पे। मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर नन ऑफ दीज मान लो ऐसे। बेटा इसका आंसर बता दो दिए यहाँ पे, टार, कोल टार। बेटा तुम लोग एग्जाम क्लियर कर लो, फ्रेरो रोशर देंगे, लिंट तक दे देंगे, ठीक है। ये देखो लक्ष्य शर्मा हमारा बच्चा आ गया, ठीक है, चॉकलेट के नाम पे आ गए सभी। चलो ये होता है बेटा, बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे, पहले डब्ल्यूसी, फिर दादाजी, फिर तैयब जी, ठीक है। इसके बाद जॉर्ज यूले, ये होता है यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर तीन होगा यहाँ पे। चलो जिसको भी चॉकलेट लेनी है वो फॉलो करके अपना एड्रेस भेज देगा, ठीक है। चलो आगे देखो अगला प्रश्न। इन विच सेशन ऑफ इट सेशन डिड इंडियन कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट स्पेसिफिक गोल, क्या होगा इसका आंसर। देवेंद्र रजक, राजकुमार मीणा साहब, खुशी, बिट्टू, बिट्टू विरासत। मनीष यादव, हैकर टीम। बेटा क्या चीज हैक करते हो मनीष, हमें भी बताओ थोड़ा सा, क्या आंसर होगा इसका जल्दी से बताओ। ठीक है देवेंद्र रजक बेटा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1929 का सेशन होता है, लेकिन डिक्लेयर कब हुआ था, 26 जैन 1930 को ये डिक्लेयर होता है यहाँ पे, पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी यहाँ पे, याद रखिएगा। लाहौर सेशन में हुआ था, नदी का नाम बताइए, रिवर का नाम क्या होगा, किस नदी के किनारे। चलो अगला एक बहुत बड़ा आपके लिए क्या कहते हैं, एक गिफ्ट होगा, ठीक है, अगर उसका आंसर सही दोगे तब गिफ्ट को रिवील करूंगा। चलो ये रहा अगला प्रश्न यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कौन सी नई पार्टी बनाई थी यहाँ पे, गदर, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज्य पार्टी, या फिर सोशलिस्ट कांग्रेस। रावी बेटा लक्ष्य, बहुत बढ़िया। रावी, रावी बेटा नीति, रावी हुआ। तब इसका आंसर बताओ, जो इसका आंसर करेक्ट देगा उसको मौका मिलेगा एक चीज अटेंड करने का। स्वराज पार्टी बेटा बिल्कुल ठीक, सी आर दास प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। क्यों बनाई थी पार्टी, क्योंकि अब ये यहां पे नॉन जो कहते हैं कॉपरेशन मूवमेंट को नहीं मान के बोले कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे यहां पे, ये होगा बेटा यहां पे स्वराज्य पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी नहीं होगा बेटा, गदर पार्टी गदर मचाने वाले लोग करेंगे यहां पे। चलो जिन्होंने आंसर सही दिया है उनको मौका मिलेगा मेरी शादी में आने का, अगर जल्दी होगी तो, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट एक्सीड टू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर दो है बेसिकली यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ प्रवेश नहीं करता है यहाँ पे? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या फिर जोधपुर? गिफ्ट तो बेटा बता दिया मैंने। हाँ बेटा पहले तुम लोग ना एड्रेस बताओगे तभी तो, वो कैसे होगा? फॉलो करके जब एड्रेस भेज देना पक्का भेज दिलवा लेंगे। बेटा मुझे खुद नहीं पता मेरी शादी कब हो रही है। चलो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस केस में यहाँ पे दो आंसर होंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है? इनको तो हमने एक्सीड कर ही लिया था यहाँ पे, हैदराबाद जूनागढ़ को यहाँ पे पुलिस एक्शन डिप्लोमेसी से हमने कर लिया था यहाँ, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से यहाँ पे इसको करते हैं, तो उस समय भारत में नहीं आता है, ये बाद में आता है यहाँ पे। कश्मीर जो आज भी गले के पास बना हुआ यहाँ पे। हैदराबाद को पुलिस एक्शन से ले ली था बेटा हमने, इसको डिप्लोमेसी से ले ली था हमने। कश्मीर बेटा बिल्कुल सही है। चलो और याद रखना डेस्टिनेशन मैरिज करने का इरादा है हमारा, ठीक है? तुम लोग को वहां लेके चलेंगे, ठीक है? वो डेस्टिनेशन मैरिज क्या मेरे गांव की है। चलो अब देखो यहाँ पे सर्वोदय का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। नॉन वायलेंस अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल ऑफ दलित, द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज या फिर सत्याग्रह। बेटा तो करवा ली था हमने यहाँ पे ना, सर्वोदय का मतलब क्या होगा? सर्वोदय अली खान, सचिन मेरा पिंड, मेरा पिंड नंगल लवे बेटा, बठिंडा से शादी कैसे कर सकता हूं, वो तो शहर है, मेरी शादी तो किसी लड़की से होगी ना। चलो तो यहां पे ये आंसर क्या होगा बेटा? अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स होगा यहाँ पे, जो अनटचेबल्स को यहाँ पे इन्होंने नई संज्ञा दी थी, नया शब्द दिया था यहाँ पे, क्या नाम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हरिजन, ठीक है? पॉइंट क्लियर। चलो भाई गुड्डू बेटा नहीं, बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी नहीं बेटा, अपलिफ्टमेंट होगा। अभिनव भारत जो बेसिकली 1904 में यहाँ पे अस्तित्व में आता है, उसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है, उसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है यहाँ, ठीक है? 1904 में ये क्या होता है बनाया जाता है, तो किसने इसकी स्थापना की थी आपको बताना है। दामोदर चापेकर साहब है यहाँ पे, और उसके बाद प्रफुल्ल चक्की है यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ यहाँ पे। खुदीराम बोस, अच्छा वहां गीत की शादी हुई थी, वो नंगल डैम तो सचिन, क्या बात था। एनज करी अन अकेडमी तो फॉलो करके ना उत्थे गल करी मेरे नाल फिर, ठीक है? चलो भाई तो ये भाई साहब होते हैं विनायक दामोदर सावरकर होते हैं, जो सेलुलर जेल में यहां पे क्या करते हैं, पूरी पूरी भारत की हिस्ट्री लिख देते हैं दीवारों पर। याद रखिए विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है? इनके नाम पे वहां पे एयरपोर्ट भी है अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर सभी को? एसके जी ठीक है, लक्ष्य बेटा ऐसे करना, ऐसे करके आंसर पहले आया था क्या? चलो
अगला प्रश्न देखो यहां पे। म्यूटनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध के रूप में वर्णित किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर वी डी सावरकर। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। अच्छा उन्नी तो भी हैगा। ओ यार तो लवे दे नहीं। ओ यार तुसी ऐ करियो माने उठे आके मैसेज कर लियो फिर ठीक है। बीजी तिलक नहीं होगा बेटा, बीजी तिलक नहीं होगा यहाँ पे। हैप्पी 72 वाले आपा पीवी 74 वाले पीवी 74। चलो तो ये होते हैं बेटा वीर दामोदर सावरकर होते हैं यार, तिलक नहीं होगा बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे। स्वदेशी मूवमेंट किसके साथ संबंधित है यहाँ पे? बंगाल का 1947 में डिवीजन, बंगाल का 1905 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 होगा यहाँ, पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947 किसके साथ संबंधित है यहाँ पे? स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। भारत नागर, ठीक है बेटा ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब देखिए अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा, ठीक 1905 में काम हुआ था, कर्जन के दौरान काम हुआ था, कैंसलेशन हो गई थी 1911 में यहाँ पे, और इसके विद्रोह में यहाँ पे क्या कर दिया था, स्वदेशी मूवमेंट लागू हो गया था यहाँ पे। स्वदेशी का मतलब यहाँ पे क्या, जितना खाने पीने का सामान अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया था बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से, ये बड़ा प्रचलित हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद स्वदेशी स्टोर्स भी खोले थे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे 1905, बिल्कुल गायत्री गज भी है। ठीक है तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, विच टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वाज सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा गांधी जी ने यहाँ पे अपने उपाधि का त्याग दिया था यहाँ पे, आपको बताना है यहाँ पे। हिंद केसरी, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल या फिर केसर ए हिंद। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। पीयूष गजभे बेटा नाम तो सही है तुम्हारा यार, अब आंसर बताओ इसका। केसर ए हिंद, बहुत बढ़िया। ये बेसिकली उपाधि 1913 में मिलती है, जो ये एम्बुलेंस कॉप्स बनाते हैं वहां पे, एम्बुलेंस कॉप्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है चलिए, साउथ अफ्रीका मिलता है यहाँ पे, इसका त्याग करते हैं यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर किस किस की नाइटहुड की उपाधि त्याग करते हैं यहाँ पे। ठीक है डी बिल्कुल ठीक है बेटा, केसरे हिंद, दीप्ति ओझा बेटा, खुशी सैनी, देवेंद्र रजक, विरासत कटियाल, अली खान, बिल्कुल बेटा यहाँ पे बढ़िया। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा इसका आंसर? पहला वेल्सले कैनिंग बेंटिक या फिर रिपन।
क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ यहाँ पे। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, तो बेटा ये होता है लॉर्ड रिपन होता है यहाँ। कौन होते हैं? लॉर्ड रिपन होते हैं यहाँ। ठीक है, वेल्सले सब्सिडरी अलायंस। अगर कैनिंग की बात करें, म्यूटी नहीं होता है। विलियम बेंटिक के समय में यहाँ पे क्या होता है? जीजीआई बनते हैं यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये होगा बेटा रिपन होगा। इसके पहले जो होते हैं नालायक होता है, लिट लिट के गंदे गंदे काम किए, लिटन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बेंटिक बिल्कुल गलत है बेटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न खत्म होता है यहाँ पे। इसी के साथ हम सेशन की समाप्ति करते हैं। अगला सेशन आपसे 29 मिनट के बाद होगा हमारा यहाँ पे, याद रखिएगा। वहां मिलते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद ये प्लस के कोर्सेज रहे बेटा, इसमें आप मेरे साथ इनरोल कर सकते हो। कोड यूज कर लेना MAAN, ठीक है, अपने सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, जिसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चल ये रहा रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए, अप्लाई कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और मैं हमेशा कहूंगा 24 महीने वाला बिल्कुल सही चीज है, 7200 एक्चुअल कोर्स फी रहेगी और ये लोहड़ी तक रहेगा शायद, इसके बाद ये हाइक हो जाएगा। अब 10% डिस्काउंट के बाद ये 6480 पे करने का लिया। सो दिस अमाउंट इज नॉट दैट बिग कि आप अफोर्ड ना कर सके यहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा अर्पिता मथुरिया बेटा सती प्रथा उनके द्वारा किया गया था यहाँ पे। तो ये सेशन हो करते हम यहाँ आज ही समाप्त यहाँ पे। जिस चीज से आप भाग रहे थे साइंस में, मैंने उसके ऊपर जोर दिया, होपफुली ये काफी हेल्प करेगा आपको आगे प्रिपरेशन में यहाँ पे। तो करते रहिए अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे और मिलते हैं कुछ समय के बाद कहाँ पे, अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में। ओके बच्चा पाड़ी, टिल देन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड गुड नाइट नाइट बच्चा पाड़ी। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर सभी कर देना यहाँ पे, ठीक है, और लाइक भी कर देना और अन अकेडमी का एक फॉलो भी कर लेना यहाँ पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां कहीं भी जीदीप लिखा होगा वहां पे क्लिक कर लेना, सीधा उठा के मेरी प्रोफाइल पे। जीदीप मां नहीं, सिर्फ जीदीप ही है यहाँ पे, ये मेरा सोशल हैंडल है, तो जीदीप में मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। जी हाँ, ये क्लास डेली होगा बेटा, ये क्लास डेली होती है। जिन बच्चों को शक है यहाँ पे 9 बजे आके मिल देगा, ठीक है।